नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। घर पर जाकर मजबूती से एमआईएम के लिए काम करें तो इंशाल्लाह हम एक यहां से सीट पक्की जीत चुके हैं। आपको इस बात का यकीन है? मुझे यह बताएं, आप में कितने लोग यहां बैठे हैं जो गुलाम पसंद हैं, जो गुलामी को पसंद करते हैं? क्या आप में से कोई भी है जो गुलाम बनने के लिए इधर आया है? मुझे हाथ उठा के बताइए, कोई भी आया है? तो जब आप गुलाम बनने नहीं आए हैं तो ये चाटुकार कांग्रेस और जेडीएस की गुलामी कब बंद करेंगे? साथियों, ये आए दिन हमारे पास आते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के आएंगे, कुछ नेता आएंगे, मैं उसके हाइट के बारे में बात नहीं करूंगा, आप समझ जाइएगा। 10,000-5,000 रुपया निकालकर आपको दिखाएंगे और ऐसा दिखाया जाएगा जैसे मुसलमानों की बहुत तरक्की हो जाएगी उस 10,000-5,000 रुपए से। आप एक एक आदमी के ऊपर साल का 6 लाख रुपया बीबीएनपी की तरफ से टैक्स के जो आप देते हैं उसका मिलता है, वो 6 लाख रुपया से आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका मेडिसिन, आपका अस्पताल, उसके अलावा आपकी गली के अंदर जो नाली है वो सब काम आपके लिए सरकार 6 लाख रुपए देती है। और ये कांग्रेस के नेता जो हमें गुलाम और भिखारी समझते हैं, 5,000 और 10,000 रुपए देकर, जिसकी कुछ नहीं तो 50 फोटो खींचते हैं और उस फोटो को लेकर हमारी माओ को, हमारे जो मजबूर लोग हैं उनको जलील करके उनके ऊपर राजनीति करते हैं। आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते हैं? क्या आप इस चीज से परेशान नहीं है? हमसे बोला जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे एक बात बताएं, आप में से सारे आदमी असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं? आपने सबने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में सुना है? मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार या सलीम साहब भी आ जाएं
और असदुद्दीन ओवैसी के सामने बैठकर मुसलमानों पर और संविधान पर हमारे आईन पर जितना चाहे उतना डिबेट कर लें। जगह वो बता दे, टाइम हम बता दें, हम उनको भेज देंगे, उनको बुलाया जाएगा। अगर कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि वो असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर पाए, असदुद्दीन ओवैसी जो हमें ताकत दे रहा है उसकी मुकाबला कर पाए, तो हमें बदनाम करना, गुमराह करना, हमारे मजलूम लोगों को छोड़ दे, शर्म आनी चाहिए। अपनी घर को संभाल नहीं पाता। उनका एक नेता है, सुना है किसी और पार्टी में कूदने वाला है, काला चश्मा पहनकर घूमता है, सबको चश्मा पहनाने की आदत होगी शायद। आप बताएं, हम बीजेपी के बी टीम है, तो मैं अपनी मुख्तसर सी बात यही कहकर खत्म कर दूंगा कि जो यहां पर फसादात हुए उसके आगे जाने के लिए और हमारे जो यहां पर लोग हैं अपनी गुलामी से निकलने के लिए अपनी जमात को मजबूत बनाइए और मेरे साथ जोरदार एक नारे का साथ दीजिएगा, जय भीम और जय मीम। हमारे जो दलित के भाई हैं, दलित साथी हमारे जो यहां पर आए हुए हैं, डीएसएस के लीडर भी आए हुए हैं, उन सबको अंबेडकर जी ने गुलामी से निकलने का रास्ता बता दिया। आज आप जाकर किसी पुलिस स्टेशन में देख लीजिए, आपको दलित भाई दिखाई देगा। आज आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए सरकारी, आपको दलित भाई दिखाई देगा। पर हमारे मुसलमान भाई क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमारे मुसलमान भाई को वहां पहुंचने के लिए कांग्रेस ने काटा है, हमें इस्तेमाल किया आलू की तरह। तो अगर आप अपनी जमात को मजबूत करेंगे तो जैसे बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दलितों को गुलामी से बाहर निकाला था, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें इस गुलामी से बाहर निकालने आए। आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? मेरा साथ दीजिएगा इस नारा के साथ। मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलिएगा जय मीम, ठीक है? जय भीम। नहीं, इतनी आवाज से तो कांग्रेस कहीं नहीं जा रही, इतने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो 10,000 जो देता है नेता वो भी नहीं देगा हमें। थोड़ा जोरदार आवाज लगाइए, जय भीम, जय भीम, एएमआईएम जिंदाबाद। इंशाअल्लाह इस बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो ऑफिस खुला है आपका, इसको आप अपना घर समझिएगा। और जितने यहां पर एमआईएम के हम लोग बैठे हैं, इस दुनिया में नहीं अर्श के मैदान में भी आकर हमसे सवाल करिएगा और हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अजहर भाई, आपको जरा स्पीच देने के वास्ते रिक्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट, ये AIMIM आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पर और उनकी रहबरी पर आज यहाँ पर के जहली के अंदर जो आज यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, ये वार्ड ऑफिस ओपनिंग का एक प्रोग्राम है और इसके साथ जो है यहाँ पर जो है कई सारे हज़ारों की तादाद में मेंबर शामिल हो रहे हैं, ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी रखा गया है। हल्का पुलिकेशी नगर को सिर्फ निशाना बनाकर दूसरे हलकों में ऐसी सरगर्मी नज़र नहीं आ रही है, क्या वजह है, क्या रीज़न है? ऐसी बात नहीं है, हर बेंगलोर के हर कोने कोने के अंदर मजलिस का परचम लहराया जा रहा है और हर वार्ड जो है इसी तरह से आप देखते आएंगे इंशाल्लाह। और बेंगलोर में जैसी तेज़ी या जैसी गर्मी नज़र आ रही है, दीगर डिस्ट्रिक्ट में मजलिस उतनी तेज़ी के साथ नहीं चल रही है, तो तेज़ी लाने के लिए क्या इकदाम होंगे? इंशाल्लाह करीब ही जो है हमारे आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है यहाँ उनके प्रोग्राम होंगे और पार्टी जो है मजबूती के साथ जो है उभर रही है। कितने मेंबर्स हल्का पुलिकेशी नगर से अब तक इंतखाब किया गया, कितने मेंबरान का और कितने कैंडिडेट मैदान में उतारने का फैसला किया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक वार्ड से जो है हज़ारों की तादाद में जो है मेंबरशिप चालू है, हर रोज़ जो है मेंबर दाखिला हो रहे हैं और यहाँ पर भी इंशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो है मेंबरशिप ड्राइव आज भी होगा इंशाल्लाह। कितने उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे आपके और कितने हलकों की निशानदेही हुई है? नहीं, पूरे बेंगलुरु में काम चल रहा है, ये जो कैंडिडेट का सवाल है उस वक्त जो है हम
हेडक्वार्टर से बात करके, दारुसलाम से बात करके इंशाल्लाह हम करीब ही आपको जो है अनाउंसमेंट करेंगे। BBMP इंतखाबात के सिलसिले में तारीखों पर तारीखें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और एक ठोस इकदाम नहीं हो पा रहा है, मजलिस इस सिलसिले में कोई कानूनी इकदाम का मंसूबा रखी है? हाँ, हमने BBMP को लेटर दिया है कि जो भी BBMP इलेक्शंस के जो भी इकदाम होंगे जल्द से जल्द उनको डिक्लेयर करें। ये जरा पीछे जो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, कैच हो जाती है। एक दो मिनट के वास्ते आप लोगों का खामोश करना। वार्ड नंबर 31 से आपका इंतखाब किया गया है और आप वार्ड प्रेसिडेंट हैं। सिविक इश्यूज क्या लग रहे हैं हल्का पुलकेशी नगर के आपको? पुलकेशी पुलकेशी नगर में हमने JDS को जिताया, कांग्रेस को जिताया, कुछ काम नहीं हुआ इधर, कुछ बेकार है दोनों लोग भी। सब वादे करते हैं हमारे साथ, वादा निभाते नहीं, कोई काम नहीं करते ये लोग। इसलिए पार्टी छोड़ के मैं मजलिस में जमा हूँ, यही मैं इस पार्टी से खुश हूँ और पूरा मोहल्ला, पूरा कुशाल नगर मिलके मेरे को साथ देता है। मैं इस पार्टी को अच्छा काम करूंगा, ये पार्टी के साथ अच्छा रहूंगा। मैं हल्का पुलकेशी नगर के सिविक इश्यूज़, यहाँ के बल्दी मसाइल, कचरे के, पानी के, मोहरिया के, इस तरह के क्या मसाइल बहुत ज़्यादा फोकस? पहले मैं सोशल वर्कर्स का काम करता था, हर घर में नल पहुँचाया हूँ, हर गली गली में नल पहुँचा हूँ, कचरा साफ किया हूँ, मैं सब काम करके हूँ। अभी जो प्रेजिडेंट कारपेटर हैं वो ठीक से काम नहीं करते, वो कचरे की गाड़ियाँ नहीं आते, एक एक साल रोड खोद के छोड़ देते हैं, रोड बनाते नहीं, वो एक साल डेढ़ साल के बाद रोड बनाते हैं। ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे एरिया के अंदर, स्ट्रीट का प्रॉब्लम है, कचरे का प्रॉब्लम है, मोरियम पानी का प्रॉब्लम है, पर इंशाल्लाह थोड़ा बहुत पानी का प्रॉब्लम कम हुआ है। कौन सी पार्टी से मंसूबी थे? मैं JDS से मंसूबी था, 28 साल JDS में था, मैं JDS छोड़ दिया, मैं छोड़ के अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के साथ कांग्रेस में आया, मैं बाद में अखंड श्रीनिवास मूर्ति के साथ कांग्रेस में आके मेरे को कांग्रेस जमी नहीं, वो पार्टी सही नहीं है, मुसलमानों को पीछे से मारती है, BJP सामने से मारती है, JDS पीछे से मारती है, इसलिए वो पार्टी मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी पसंद है, इसलिए इस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, इस पार्टी में काम करूँगा और इंशाल्लाह अब एक बिल पास हुई जो गाय नहीं काटना, बैल नहीं काटना बोल के ये चोर बिल पास कर दिए BJP वाले। कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे जो चोर बिल पास किए, इसलिए हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो गाय नहीं काटना बोल के हमारे को नुकसान नहीं है, रैयतों को नुकसान है, बहुत से जनों को नुकसान है, ये गाय का गोश्त मुसलमान भी खाता है, दलित भी खाता है, क्रिश्चियन भी खाता है, बहुत से लोग खाते हैं गाय का गोश्त, कई ब्राह्मण भी खाते हैं, कोई नहीं खाता बोल के नहीं है, लेकिन इन लोग चोरी का काम किए, चोरी से बिल पास किए, ये बिल को हम पास होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हमें प्रोटेस्ट करेंगे इसके साथ, रैयतों के साथ भी मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। हमें तमाम मसाइल, जितने भी मसाइल का तस्करा किया जाता है उमूमन इलेक्शन से पहले ही ये तमाम मसाइल याद आते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, इलेक्शन से पहले नहीं, हम इलेक्शन के पहले भी काम करते हैं, इलेक्शन के बाद में भी काम कर रहे हैं। आवाम बोलती है हमारे पीछे, हम आगे नहीं बोलते, आवाम से पूछ लीजिए, हम हर हमेशा काम करके दिखा के हर मजलूम के साथ मैं खड़ा हूँ, मुस्लिम कॉलोनी से कुशाल नगर तक हर मजलूम के साथ खड़ा हूँ मैं। नाम आपका? नासिर खान और भाईजान। नज़र साहब, क्योंकि हल्का पुलकेशी नगर का एक बहुत बड़ा इशू इन दिनों गुजरा जी, KG हल्ली और DG हल्ली का एक बहुत बड़ा फसाद हुआ जिसमें कई मासूमों को गिरफ्तार किया गया जी, मजलिस के इकदाम क्या रहे उनकी रिहाई के सिलसिले में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस का इकदाम ये रहा इस चीज़ों में कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन को ज़रूरत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हमने लीगल कार्रवाई जो हम कर सकते थे, जो लोग हमारे पास आए हैं उनके लिए लीगल हेल्प जो भी करना चाहिए हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से ये चीज़ हुई जो मासूमों को पकड़ा गया, मेजॉरिटी उसमें मासूम थे और उन लोगों के लिए जो भी लीगल हेल्प चाहिए थी, हमने
हमने आमदा करवाई है और आगे भी हम लोग, पिछली बार भी हमने हमारे इंटरव्यू में कहा था काफ़ी लोग हमारे पास आए, फिर उनको भी हमने बाकायदा उनको भी हमने उस लीगल हेल्प में उनको शामिल किया है और उनकी उनकी रहनुमाई हम कर रहे हैं। चार्जशीट दाखिल होने तक किसी की रिहाई मुमकिन नहीं है, इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ रहा है जी। तो मजलिस की तरफ से वकला पर या एडवोकेट्स पर किस किस्म का दबाव डाला गया जी? देखिए, एक लीगल प्रोसेस जो होता है तो उसकी लीगलिटी होती है, कानून जो होता है उसके हिसाब से चलता है। हम लोगों ने प्रेशराइज किया है कि चार्जशीट को, हमने अपने लॉयर से बात करके हमने प्रेशराइज किया है कि चार्जशीट को जल्द से जल्द सबमिट किया जाए ताकि इस केस को पूरे फेयर और नीट और क्लीन ढंग से इसकी सुनवाई हो। चार्जशीट में तमाम नाम दाखिल नहीं हुए हैं, इसलिए मजीद बेकसूरों की गिरफ्तारियां मुसलसल जारी हैं। रातों में घरों को तोड़कर पुलिस दाखिल होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जी। इस सिलसिले में ग्राउंड लेवल पर कोई रिपोर्ट तैयार हुई है मजलिस की तरफ जी? अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ में भी हम लोगों ने तैयारी किया हुआ है। हम लोगों ने, देखिए अभी क्या है, जो मेरे जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, अभी जो अरेस्ट का जो मसला है अभी खड़ा हुआ है, अभी कुछ अरेस्ट हो नहीं रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई इलीगल होता है, देखिए अभी चार्जशीट में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को इसमें ये हुआ है, लेकिन मसला ऐसा है, ये बड़ा मसला हुआ था और ये मसले से हमको ये सबक हासिल भी होता है कि हम लोगों को आज मुसलमानों को और दलितों को अपनी सोच को, अपनी जहन को रखते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हर काम करना चाहिए।